चलिए हम लोग इस वीडियो में थ्री डायमेंशनल फिगर के बारे में पढ़ेंगे, उसके आयतन, विकर्ण, संपूर्ण पृष्ठेत्रफल के बारे में जानकारी लेंगे। ये आपका क्वेश्चन जो है ये जो है जो आपका फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको मैथ बनाने में बहुत ही सुविधा होगी, इसलिए फार्मूला को एकदम अच्छी तरह से समझ लें और उसे याद कर लें। तो चलिए घनाभ, घनाभ आपका इस तरह का होता है, ये होता है रेक्टेंगल से आपका, दो गो रेक्टेंगल से आपका बनता है। तो घनाव का आयतन यानी वॉल्यूम भी बराबर क्या होता है, एल, ये घनाव का लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, भी बराबर एल इंटू बी इंटू एच। आयतन आपका निकालने के लिए पूछा जाए तो डायरेक्ट फार्मूला पर पुट कीजिए, एल इंटू बी इंटू एच आपका निकल जाएगा। विकर्ण का लंबाई हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। नेक्स्ट है घन, घन घन में क्या होता है, सभी भुजा आपका क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका अगर वॉल्यूम यानी आयतन पूछा जाए तो आपका हो जाएगा एक क्यू। विकर्ण की लंबाई पूछा जाए तो विकर्ण की लंबाई रूट थ्री ए। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो सिक्स ए स्क्वायर, छः को इसका फेस होता है इसलिए सिक्स ए स्क्वायर। बेलन, बेलन यानी सिलेंडर, सिलेंडर का, सिलेंडर आपका इस तरह का होता है। आपका वॉल्यूम इसका पूछा जाए यानी आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया आर, ये हो गया आपका एच, ये लंबाई को ही क्या कहते हैं एच। तो आपका भी बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो टू पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर स्क्वायर। क्यों टू पाई आर स्क्वायर जुटा, तो क्योंकि ये दो वृत्त है ऊपर में, एक वृत्त ऊपर में एक वृत्त नीचे में, इसलिए टू पाई आर स्क्वायर इसमें जुट जाएगा। शंकु का, शंकु के अगर पूछा जाए तो शंकु आपका इस तरह का होता है। शंकु ये आपका वृत्त है, इसका रेडियस आर है, ये ऊंचाई आपका एच है, ये एल है, एल को बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक लंबाई, तिर्यक ऊंचाई भी बोला जाता है। तो एल आपका क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई। तो एल का, एल निकालने के लिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जानते हैं कि एल, एल बराबर यानी हाइपोटेनस ये हो गया, तो हाइपोटेनस क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आपका ये एल यहाँ से निकल जाएगा। तो भी बराबर आपका हो जाएगा, भी यानी वॉल्यूम बराबर यानी आयतन बराबर हो जाएगा वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ क्षेत्र पर पूछा जाए तो पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला जाए तो पाई आर एल और प्लस में पाई आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसमें एक वृत्त भी है तो इसको भी ऐड करेंगे संपूर्ण पृष्ठ में। वक्र पृष्ठ में पाई आर एल और संपूर्ण पृष्ठ में पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। देखिए जिससे इसका पहले बेलन में भी हम लोग क्या किए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल टू पाई आर एच हुआ, तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए दो वृत्त है तो दोनों के वृत्त का क्षेत्रफल को भी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट फार्मूला है आपका गोला। गोला क्या होता है, गोला एक तरह का ठोस होता है, ठोस होता है, ये पूरा एकदम इस तरह से गोला होता है, गोला आपका ठोस होता है। इसमें ये जो हो गया आपका रेडियस हो गया, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, फोर बाई थ्री, यानी इसका अगर पूछा जाए आपका अथी, इसका आयतन पूछा जाए तो फोर बाई थ्री पाई आर क्यू। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो फोर पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त गोला का ही आधा टुकड़ा होता है, गोला का ही आधा टुकड़ा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त, अर्धगोला। तो अर्धगोला का आयतन बराबर क्या होता है, तो टू बाई थ्री पाई आर क्यू। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर इसका पूछा जाए तो थ्री पाई आर स्क्वायर, थ्री पाई आर स्क्वायर। उसके बाद चलिए छिन्नक यानी शंकु का छिन्नक यानी फ्रस्टम ऑफ ए कोन। इसका अगर वॉल्यूम, ये आपका कोन होता है, कोन को क्या कहें, जैसे ये शंकु है, शंकु को अगर बीच से यहाँ से काट दिया जाए तो ये आपका बन जाता है शंकु का छिन्नक यानी फ्रस्टम ऑफ कोन इसी को बोलते हैं। तो ये मान लेते इसमें दो रेडियस बन जाएगा, एक छोटा रेडियस रहेगा ऊपर वाला और नीचे एक बड़ा रेडियस यानी कैपिटल आर। इस ऊंचाई को मान लेते हैं क्या है, एच है, और ये तिरिया की ऊंचाई हो गया, इसको एल मान लेते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालने के लिए क्या इसका फॉर्मूला था, पाई इंटू एच बाई थ्री बड़ा रेडियस कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस छोटा रेडियस का स्क्वायर प्लस आर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तिर्यक भाग का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाए, तिर्यक भाग का क्षेत्रफल तो पाई एल प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर।
स्क्वायर एल स्क्वायर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो उसका क्या क्या हो जाएगा, तो आधार का क्षेत्रफल, ये आधार हो गया, ये आधार का क्षेत्रफल, शीर्ष भाग का क्षेत्रफल, ये आपका शीर्ष भाग का क्षेत्रफल हो गया। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूरा, ये वक्र पृष्ठ ये हो गया, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल का आधार में क्या है, नीचे बड़ा वृत्त है, कैपिटल आर का बड़ा आर का है तो पाई आर स्क्वायर, ऊपर में क्या हो जाएगा, छोटा वृत्त है तो छोटा उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर पाई स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस पाई एल ये हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, जब इसको सोल्व करें तो पाई को कॉमन लेंगे तो आपका कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एल इंटू आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आपका छिन्नक का आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया।